फ्रेंड्स 15 दिन पहले मैं हरिद्वार गई थी और वहाँ पे मेरा मन करा स्वीट कॉर्न खाने का। जब मैंने ठेले वाले भैया से पूछा कि भैया कितने रुपए का है, तो एक छोटा सा ग्लास 40 रुपए का बोला। ले तो लिया, खाया भी, पर मन नहीं भरा। तो आज मेरा फिर से मन कर गया था कि मुझे स्वीट कॉर्न खाने हैं और मेरा बेटे का भी मन कर गया था, तो मैंने सोचा कि चलिए बनाते हैं अपनी कुंज की रसोई में ये स्वीट कॉर्न। तो चलिए दोस्तों करते हैं अपना वीडियो स्टार्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल कुंज की रसोई। सो दोस्तों बनाते हैं सिर्फ 5 रुपए में ये स्वीट कॉर्न की रेसिपी। सो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने 2 भुट्टे ले लिए थे, उनके ना ये दाने निकाल लिए हैं। हमारे यूपी में इसको भुटिया भी बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 2 भुट्टे मैंने लेके उसके दाने निकाल लिए हैं, और जहाँ मैंने हरिद्वार में लिया था ना वो छोटा सा ही गिलास था फ्रेंड्स, और इतना महंगा था 40 रुपये का। तो चलिए आज मैं बहुत ही सस्ते में आपको स्वीट कॉर्न बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए दोस्तों अब हमने इसको 2-3 बार पानी से भी वॉश कर लिया था, अब बनाएंगे इसको। तो उसके लिए चलते हैं अपनी गैस की तरफ। सो फ्रेंड्स गैस पे कढ़ाई रख दिया और 1.5 गिलास पानी डाल के ना और फ्लेम को ऑन कर दिया है। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच डाल दिया है नमक। डालने के बाद इन दोनों चीज़ों को पानी में अच्छे से मिला लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छे से मिल चुका है। तो अब इसमें ना उबाल आने देंगे हाई फ्लेम पे। फ्रेंड्स पानी में बहुत ही अच्छे से उबाल आ चुका है, तो अब जो हमने स्वीट कॉर्न को लिया है ना वो इसमें हम डाल देंगे। डालने के बाद फ्रेंड्स इसको अच्छे से मिलाएंगे। हल्दी हमने इसलिए डाली थी, बिल्कुल मार्केट स्टाइल चाहिए ना हमें, तो इसमें कलर भी अच्छा आ जाएगा, बिल्कुल मार्केट जैसे ये लगेंगे। तो चलिए दोस्तों इसको ना 2 मिनट तक अच्छे से उबालेंगे ताकि ये जो स्वीट कॉर्न है अच्छे से उबल जाए। तो फ्रेंड्स 2 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं जो हमारे स्वीट कॉर्न है बहुत ही अच्छे से उबल चुके हैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए परफेक्ट ये उबल चुके हैं। और जो हमने जो भुट्टा लिया था ना वो कच्चा वाला भुट्टा था, तो ये बहुत ही जल्दी उबल जाता है, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो चलिए दोस्तों फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। अब क्या करेंगे, एक स्ट्रेनर ले लेंगे और जो हमने स्वीट कॉर्न को उबाला था वो सारे स्वीट कॉर्न हम इसमें डाल देंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने ये डाल दिए हैं, और डालने के बाद ना अब क्या करेंगे इसको साइड में रखेंगे, नीचे वाले डोंगे को साइड में रख के एक प्लेट पे हम इसको स्ट्रेनर को रख देंगे। ये देखिए परफेक्ट। तो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे से हमारे स्वीट कॉर्न उबल के अच्छे से तैयार हो चुके हैं, कलर भी अच्छा आ चुका है। तो चलिए अब हम इसकी दूसरी तैयारी करते हैं, तो उसके लिए चलते हैं अपनी गैस की तरफ। सो फ्रेंड्स फिर से हमने वही कढ़ाई रख दी है, फ्लेम को ऑन कर दिया है। अब यहाँ पे 1 चम्मच ले लेंगे बटर। फ्रेंड्स स्वीट कॉर्न में ना बटर का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, बिल्कुल मार्केट जैसा टेस्ट आता है, एक बार ट्राई ज़रूर करना। तो फ्रेंड्स चलिए पहले इसको हम अच्छे से मेल्ट होने देते हैं बटर को। लीजिए फ्रेंड्स बटर बहुत ही अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब जो स्वीट कॉर्न है ना वो स्वीट कॉर्न हम इसमें डाल देंगे। डालने के बाद फ्रेंड्स इसको पहले अच्छे से हम फ्राई करेंगे 1 मिनट तक। तो चलिए दोस्तों लो फ्लेम पे पहले इसको 1 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। लीजिए फ्रेंड्स 1 मिनट हो चुकी है और आप देख सकते हैं बटर में बहुत ही अच्छे से ये स्वीट कॉर्न फ्राई हो चुके हैं। अब यहाँ पे चीज़ लेंगे। फ्रेंड्स चीज़ आप मोज़रेला चीज़ ले सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने मोज़रेला चीज़ लिया है जो पिज़्ज़ा वाला होता है। यहाँ पे आप स्लाइस चीज़ या फिर क्यूब चीज़ भी ले सकते हैं। यहाँ पे 1/2 चम्मच चिली फ्लेक डालेंगे, और फ्रेंड्स अब डालेंगे यहाँ पे 1/2 चम्मच पिज़्ज़ा ऑरिगैनो। आप चाहो तो आप यहाँ पे चाट मसाला भी डाल सकते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे हम डालेंगे थोड़ा सा नमक। नमक ध्यान में रख के डालना क्योंकि मैंने पहले उबालने में भी नमक डाला है, इसलिए मैं अपने हिसाब से डालूंगी यहाँ पे नमक। डालने के बाद सारी चीज़ें अच्छे से मिलाएंगे। फ्रेंड्स आपके पास जो भी मसाले हो, चाट मसाला हो, जो और भी कोई मसाला हो, आप वो डाल के बना सकते हैं, अच्छा लगता है। आप देख सकते हैं सारी चीज़ें मैं मिला रही हूँ, तो कितने अच्छे से चीज़ी चीज़ी हो रहा है, एकदम तार खींच रहे हैं चीज़ के, तो बहुत ही परफेक्ट। तो चलिए दोस्तों लो फ्लेम पर फिर से 1 मिनट तक इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स 1 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं स्वीट कॉर्न हमारे बन के तैयार हो चुके हैं, एकदम परफेक्ट। आप चाहो तो कोई भी वेजिटेबल्स यहाँ पर डाल सकते हैं, बट यहाँ पर मैं बिना वेजिटेबल का बना रही हूँ, जो मेरा मन है ना मैं उसी तरीके से बना रही हूँ। गाइस बहुत ही टेस्टी लग रहा था, बिल्कुल बाजार जैसा लग रहा था। तो चलिए दोस्तों स्वीट कॉर्न बनके हमारा तैयार हो चुका है, तो फटाफट से फ्लेम को ऑफ कर दिया है हमने। तो चलिए दोस्तों अब इसको अच्छे से हम सर्व कर लेते हैं, बिल्कुल मार्केट स्टाइल। सो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने एक कंच का बाउल ले लिया है, और जो मार्केट में देते हैं ना वही गिलास ले लिया है। अब इसको सबसे पहले हम बाउल में सर्व कर लेंगे। ये देखिए गाइस कितना लजीज लग रहा है, एकदम चीज़ी चीज़ी, बहुत ही टेस्टी लग रहा था। तो यहाँ पे मैंने बाउल में सर्व कर लिया है, अब यहाँ पे गिलास में भी सर्व कर लेंगे। तो फ्रेंड्स है ना कितना फ़ायदा है, सिर्फ 5 रुपये से भी कम का गिलास पड़ रहा है हमें, और बहुत ही सबका पेट भी भर गया था, बहुत ही मन भर गया था सबका। और वहाँ पे मैंने एक गिलास भी लिया था ना फ्रेंड्स, बिल्कुल भी मन नहीं भरा था, टेस्टी तो था लेकिन मन नहीं भरा था, तो इसलिए मैंने अपने घर में बनाया है। ऊपर से मैंने यहाँ पर इसमें ऊपर से चीज़ डाल दिया है,
और गार्निश के लिए, और ऊपर से स्प्रिंकल कर देंगे हम चिली फ्लेक को। देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा और खाने में भी टेस्टी लगेगा। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, बिल्कुल मार्केट स्टाइल ठेले वाला ये चीज़ कॉर्न हमारा बनके तैयार हो चुका है सिर्फ 5 रुपये में। यानी कि 5 रुपये में हमारे ये, मतलब 10 रुपये में हमारे 3 गिलास बन के तैयार हुए हैं फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं क्योंकि जो कंच का बाउल है उसमें 2 गिलास तो बन ही जाएंगे, यानी कि 3 गिलास हमने 10 रुपये में तैयार किया है। तो ये 5 रुपये से भी कम का हमारा 1 गिलास पड़ा है, और वहाँ पे 40 रुपये का मिल रहा था, तो कितना उनको फ़ायदा होता होगा ना। तो आप बाहर से ना खा के अपने घर में हेल्दी बनाकर खाइए, और बहुत ही ईजी है, बिल्कुल मेहनत नहीं लगती। जब भी आपके बच्चे फरमाइश करते हैं तो बहुत ही आसान तरीके से बनाइए और खिलाइए अपने घर वालों को भी। भाई मुझे तो बहुत पसंद आया, मेरे बेटों को बहुत पसंद आया, और हमने मन भर के भी खा लिए, क्योंकि बाज़ार में थोड़ा आता है फिर मन भी नहीं भरता है। तो अपने इससे बढ़िया अपने घर में बनाइए और खाइए। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी स्वीट कॉर्न की रेसिपी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।